ये जो लड़की है ये हमारे साथ नहीं आ रही है। एकदम बकवास। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हजरत निजामुद्दीन। धूप काफी है, ऑलमोस्ट 44-45 डिग्री चल रही है। गाइस गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया रहेंगे। नीचे काफ़ी आवाज़ है क्योंकि हम है प्लेटफॉर्म पे। तो इस व्लॉग का हम शुरुआत करते हैं भोले बाबा के नाम लेके। तो बोलो हर हर महादेव, गणपति बाप्पा मोरिया, मंगलमूर्ति मोरिया। हम बहुत लंबी जर्नी पे जा रहे हैं, तो रास्ते में आपको बताते हैं हम कहाँ पे एग्जैक्टली जा रहे हैं। तो अभी हमारी आ रही है ट्रेन, क्योंकि हमें अभी थाने स्टेशन पर। सर गाइस आ चुकी है हमारी ट्रेन, एसी ट्रेन। मतलब गर्मी इतनी है मुंबई में कि एसी की ज़रूरत है, तो हम इसीलिए इतनी देर राह देख रहे थे ताकि एसी ट्रेन से जाए। सो गाइस हम बैठ चुके हैं ट्रेन में, बस थोड़ी देर में ही निकलेगी यहाँ से। और यहाँ से हमको जाना है सीएसटी से हमारी ट्रेन है और हम जा रहे हैं चारधाम यात्रा पर। तो आज हमारी जो ट्रेन है वो जाएगी दिल्ली। कल हम सुबह दिल्ली पहुँचेंगे और वहाँ से हमारी हरिद्वार वाली दूसरी ट्रेन है। तो चलो बोलो हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। ये जो लड़की है ये हमारे साथ नहीं आ रही है, हमें सिर्फ छोड़ने आ रही है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं सीएसटी स्टेशन, बस अभी ट्रेन रुकेगी तो हम उतरते हैं। और अभी हमें सिर्फ आधा घंटा बाकी है ट्रेन बोर्ड करने के लिए, तो हमें भागना है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और यहाँ से ये लोकल्स आती है और उस तरफ आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन आती है, तो हमको उस तरफ जाना है। तो राजधानी जिस ट्रेन से हम जा रहे हैं, मैंने जैसे कहा हम दिल्ली जा रहे हैं, तो इट इज़ कमिंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 18 एंड दैट्स द लास्ट प्लेटफॉर्म। तो चलो अभी चलते हैं। तो दैट्स द लास्ट प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर 18, और हमारी ट्रेन लग चुकी है शायद से। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं हमारे कोच के घर, और सबसे आखिरी कोच था हमारा, आप देख सकते हो, आपको दिखेगा भी नहीं इतना दूर है ये, ऑलमोस्ट फोर्थ कोच है इंजन से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। गाइस हमारी टिकट कंफर्म नहीं हुई थी और आज ही कंफर्म हुई है, मतलब वेटिंग में चल रही थी, तो इसके लिए हमको ये आरएसी चल रहा था तो साइड बर्थ मिले हैं। तो चलो कोई नहीं, कल सुबह तक का सफर है, 10 बजे हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो चलो अभी थोड़ा सेटल हो जाता हूँ, जूते वगैरह उतारता हूँ। सुरेश फ्रेश हो गया, मुँह वगैरह धो लिया, अभी थोड़ा सेटल होता हूँ। अभी थोड़ी देर में ट्रेन निकल जाएगी, 10 मिनट बाकी हैं, 4 बजे की ट्रेन। ज़्यादातर सेंट्रल पे यूजुअली लेट होती है, बट आई एक्सपेक्ट दैट ये ट्रेन टाइम पे है। तो हम जा रहे हैं चारधाम यात्रा के लिए, और अराउंड 12 डेज की यात्रा है। आज निकलेंगे, कल सुबह पहुँचेंगे दिल्ली, दिल्ली से हरिद्वार, और फिर वहाँ से ही हमारी यात्रा शुरू होती है। तो चलो हम अभी ज़्यादा आपको कुछ दिखाना नहीं है, क्योंकि ट्रेन में एक आध दूसरे नज़ारे दिखाएंगे प्लेटफॉर्म के, या तो बाहर के कहीं पे दिखते हैं अच्छे कुछ। तो गाइस ट्रेन निकल चुकी है, तो गाइस आधा घंटा भी नहीं हुआ और खाना पीना चालू हो गया। वैसे भी करेगा कुछ है ही नहीं काम, तो कुछ ना कुछ थोड़ा चटर पटर खाते रहेंगे तो टाइम भी गुजर जाएगा और जर्नी भी खत्म हो जाए निकलेगी। बात तो सही है। तो चलो मैं भी कुछ खा लेता हूँ, हेल्दी सनफ्लावर सीड्स। सो हम आ चुके हैं खाने में, तो दिस इज अपना घर, अपना ओल्ड, अपना कोपरी थाने ईस्ट, यहीं से आगे अपना घर है। गाइस हमारा घर यहीं पे सामने ही है, और वो जो दिख रहा है वहाँ पे जो बड़ी बिल्डिंग है वो है अपना ऑफिस।
ये नाश्ता आ गया। नाश्ते में ये है, एक मिक्सचर है, एक पितासा है, एक कचौरी है और एक सैंडविच है और ये चाय। आप चाय का कलर देख सकते हो, चाय कम पानी ज्यादा लग रहा है। चलो ठीक है, कोई नहीं, चीटिंग करता है तो की टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं टेस्ट कैसी रहेगी। वैसे तो हमको मालूम है टेस्ट कैसी रहेगी, लेकिन फिर भी बता देंगे। एकदम बकवास भाई, एटलीस्ट दो टी बैग तो होने चाहिए, एक टी बैग में क्या मजा आएगा। चलो कोई नहीं, अभी फ्री वाला है, फ्री वाला नहीं भाई, पैसे दिए हैं, मतलब टिकट में ही पैसे जाते हैं, तो चलो कंप्लेन तो दे देंगे, फीडबैक दे देंगे, देखते हैं अगर कुछ होता है तो। अब तक के लिए बनी रही है। गाइस हम पहुंच चुके हैं इस रूट का पहला स्टेशन, कल्याण जंक्शन। इनफैक्ट मेरा तो प्लान यही था कि कल्याण आए, बट हमने सोचा नहीं यार, यहाँ पे दो मिनट रुकती है, पीडी चलते हैं, आराम से बैठेंगे और फिर निकलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम। The next day. सदा संतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। गाइस 5:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 5:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं काफ़ी उजाला है फॉर 5:30। सुबह सभी उठे फ्रेश होते हैं और ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, तो थोड़ी देर में आपसे मिलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हो स्टेशन आ रहा है, ये आखिरी स्टेशन है, दिस इज आगरा कैंट और इसके आगे हजरत निज़ामुद्दीन दिल्ली। तो चलो अभी प्लेटफॉर्म पे उतरते हैं। कल से हम जो बैठे हैं ट्रेन में, हम नीचे उतरे ही नहीं, हम बस एक चाय लेने के लिए मैं उतरा था, उसके बाद उतरा ही नहीं। तो थोड़ा सा ज़रा स्ट्रेच कर लेता हूँ क्योंकि मेरी हाइट है 6'1" और हमें जो ये बर्थ मिला था दिस इज 6 feet, तो जब रात भर सोने के लिए बहुत दिक्कत हो गई। दिस इज आगरा कैंट, वंदे भारत एक्सप्रेस। चला बाय, थैंक यू थैंक यू, तुम्हाला सुद्धा नीट जा। सरांना मी फोन करेन, नंबर घेतलाय। सो गाइस बस 10 मिनट में हम पहुंचने वाले हैं हजरत निज़ामुद्दीन, और बाहर गर्मी बहुत है ये हमें पता चला। तो मुंबई में भी वैसे ही 44 चल रही थी, यहाँ पे 46 चल रही है, बट दिक्कत यह है कि मुंबई में ह्यूमिडिटी रहती है, तो यहाँ की जो धूप है जो चुभती है और पूरा स्किन काला होता है। तो चलो कोई नहीं, सनस्क्रीन वगैरह लगा लिया, अभी बाहर निकले हैं तो वो टेंशन क्या है। तो चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो गाइस हमारा स्टेशन आ चुका है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं हज़रत निज़ामुद्दीन, अभी हमको यहाँ से और 7 घंटे हैं अगली ट्रेन के लिए। तो चलो अभी यहाँ से बाहर चलते हैं, शायद से कोई कमरा लेंगे, वहाँ पे आराम करेंगे और हो सके तो आसपास का कहीं घूम लेंगे। तो चलो यहाँ से पहले निकलते हैं, फिर आपको बताते हैं अगला प्लान क्या है। तो गाइस हम स्टेशन के बाहर आ गए, तो देखते हैं अभी यहाँ से कहाँ पे जाना है। 2000 years later. आपने जो देखा ये कमरा हमने बस लिया फ्रेश होने के लिए, ज्यादा नहीं, फ्रेश होंगे और फिर यहाँ से निकलते। तो चलो थोड़ी देर में मिलते, चाय भी पीता हूँ यहाँ पे। सो गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं और आसपास का एरिया घूमेंगे और शाम को हमारी ट्रेन है हरिद्वार के लिए। धूप काफी है, ऑलमोस्ट 44-45 डिग्री चल रही है,
मुंबई में भी यही टेम्परेचर है, बट मुंबई में पसीना आता है, यहाँ पे पसीना नहीं आता है, यहाँ पे ड्राई धूप है जो चुभती है। सो गाइस, इसी के साथ वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आ रहेगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर हर हर महादेव लिखिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, हर हर महादेव।